नवजोत सिंह सिद्धू और किस तरीके से उनके जीवन में प्यार का हुआ इजहार, क्या उन्होंने किसी को प्यार का संदेश दिया था, क्या कुछ हुआ था उनके जीवन में, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज हम बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की लव स्टोरी की। जी हाँ, कहाँ मिले थे पति और पत्नी और किस तरीके से उनके जीवन में आगे बढ़ा उनका रोमांस, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी ये लव स्टोरी। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू जितना राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं, उतने ही वो कपिल शर्मा के लाफ्टर शो को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। इसी शो में उन्होंने अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के साथ अपनी लव स्टोरी का खुलासा किया था। क्रिकेट के पिच पर सलामी बल्लेबाजी करने वाले सिद्धू ने पहली ही नजर में नवजोत कौर को दिल दे दिया था। MBBS की पढ़ाई कर रही थी उनकी पत्नी और नवजोत कौर से सिद्धू की आंखें वहीं पर चार हो गईं, पटियाला में ही। और ये चिकन का शौक हुआ करता था, वहां पर वो अक्सर जाया करते थे, उनके इंतजार में रहा करते थे। जब नवजोत कौर मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर छुट्टी के वक्त निकलती थी, तब सिद्धू कॉलेज के गेट पर घंटों इंतजार किया करते थे। सिद्धू कौर का पीछा करते उनके घर तक चला जाया करते थे। इसी कड़ी में पटियाला के एक चिकन शॉप पर सिद्धू रोजाना जाने लगे। वहां किसी न किसी दोस्त को चिकन खिलाते और वो खुद नवजोत कौर का इंतजार करते। कौर ने गौर फरमाया इस बात पर कि एक शख्स उन्हें रोज घूरता है। बाद में दोनों का परिचय हो गया। कौर और सिद्धू के बीच आंखों ही आंखों में बातें होने लगी, इशारों से ही सब कुछ होने लगा। ये सिलसिला करीब 2 साल तक चला। स्कूटर से कौर के कॉलेज से घर तक पीछा करने का सिलसिला सिद्धू ने जारी रखा। इस खेल में कौर की सहेलियों ने भी सिद्धू की खूब मदद की। आखिरकार दोनों ने जीवन साथी बनने का फैसला कर लिया। कौर ने बताया कि जब उनकी शादी होने वाली थी, तब नवजोत ने जन्म पत्री की मांग की और कहा कि जब तक पत्री नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी। आखिरकार सिद्धू को कौर ने अपनी जन्म पत्री दी और दोनों में 36 गुण मिल गए। फिर क्या था, बज गई शहनाई। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। कौर ने बताया कि शादी के बाद जब उनकी डॉक्टर सहेलियां या रिश्तेदार घर पर आती थी, तब सिद्धू शर्माते थे और उनसे मिलना नहीं चाहते थे। कई बार वो बाथरूम में छिप जाया करते थे। सिद्धू ने बताया कि जब वो स्कूटर से पीछा करते थे तो कौर को कहा करते थे, हाँ कर दे, हाँ कर दे, लेकिन वो ना 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 कहके आगे निकल जाती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब कौर ने सिद्धू को हाँ कह दिया। इस दंपत्ति की अब एक बेटी है राबिया और एक बेटा करण है। इन दोनों का नाम एक जैसा होने पर कई बार एयरपोर्ट पर या सार्वजनिक समारोह में कन्फ्यूजन भी हो जाता है। पंजाब की पिछली सरकार बादल सरकार में नवजोत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। मंत्री रहते हुए उन्होंने कई सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट क्लिनिक पर वेशभूषा बदल कर छापा मारा था और उन्हें अंदर करवाया था। तो नवजोत कौर सिद्धू जिस तरीके से जीवन में आगे बढ़ रही हैं और नवजोत कौर सिद्धू और सिद्धू की जो प्रेम कहानी है वो सफल हो गई है, वैसे ही हर किसी की प्रेम कहानी सफल हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जीवन में कैसे हम लाइफस्टाइल को अपनाएं और कैसे आगे बढ़ें, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सिद्धू ने जो किया है वो सिद्धू ने बड़े ही अच्छे तरीके से उसे मैनेज किया था और तब जाकर शादी की थी। तो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा वक्त दें, तब जाकर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट नाइन लाइफ का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, जल्दी से कमेंट करें, सुझाव दें और हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें। नमस्कार।